सीटों से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनिट की चौंतरा व द्रंग प्रोजेक्ट की कमेटियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोगिंद्रनगर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस अवसर पर रामलीला मैदान से एसडीएम कार्यालय तक हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रैली को संबोधित करते हुए कुशाल भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में 38,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ICDS में रीढ़ की हड्डी का काम करती है तथा प्रदेश में लाखों बच्चों व महिलाओं का कुपोषण दूर करने में ईमानदारी से जुटी है, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही प्रदेश सरकार वर्कर्स व हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाने व उन्हें पक्का करने के बारे में गंभीर है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सभी प्रकार के काम जैसे कि अपंगों का सर्वे, पशुओं का सर्वे, गांव में कहीं भी कोई भी बीमारी या आपदा आए तो सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स को जाना पड़ता है, लेकिन मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी केंद्रों को ठेकेदारों के हवाले करने की योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ICDS के बजट में कटौती कर दी है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वर्कर्स हेल्पर्स का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी चाहिए कि वे अपने पड़ोसी राज्य जितना मानदेय अपनी तरफ से भी बढ़ाएं, जिसके अनुरूप वर्कर को 7,500 व हेल्पर्स को 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियां पूरी तरह से गरीब विरोधी तथा धन्ना सेठों के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।